one dance, baby. That one dance. गाइस गुड मॉर्निंग और हैप्पी दिवाली। आज जैसे कि दिवाली का टाइम है, दिवाली का दिन है, बहुत ही बड़ा त्यौहार है, हम सभी जानते हैं। इस दिन श्री राम भगवान अब वनवास से लौटे थे, इसीलिए ये आई नो सबको पता है, इसीलिए पर मनाया जाता है। तो अभी जस्ट मैं काफ़ी देर पहले मैंने शॉल ले लिया था, उसके बाद सॉरी मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है। उसके बाद अभी 12:30 टाइम हो रहा है जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रही हूँ। आई नो थोड़ा लेट हो गया है ब्लॉगिंग स्टार्ट करने में, क्योंकि मॉर्निंग में काम बहुत होते हैं और अगर फेस्टिवल हो तो काम तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं। एक मिनट, मैं कैमरा यहाँ रख देती हूँ। सो गाइस, मैं बात करने वाली थी कि आज जैसे कि दिवाली का दिन है, अब हम सभी लोग तैयारी करते हैं। अभी मेरा सारा काम हो गया, पूजा की भी मतलब सारा सामान मैंने ला के रख लिया है। क्या क्या ला के रखा है मैं अभी आप लोगों को बताऊँगी। इसके बाद अभी तो हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया है, अभी जस्ट मॉर्निंग के लिए मैं खाना बना रही हूँ, लंच बना रही हूँ, फिर जो शाम का खाना होता है पूजा के लिए वो भी बनेगा। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ आटा तैयार है कंप्लीट तरीके से, और सब्जी अभी बस मैं बनाने वाली हूँ। इसके अलावा फिर बाद में रात में मैंने जो गुजिया और जो आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं हम तो मठरी वगैरह बोलते हैं, वो चीज़ मैंने बना ली थी। मैं बताती हूँ थोड़ा सा आपको, इस टाइप से हम लोगों ने बनाई है। लेकिन ये तो क्या है ना, नानी के यहाँ से आई है, बट उन्होंने बेसन की बनाई थी और हम लोगों ने मैदा होता है उसकी बनाई और कुछ गुजिया बनाई है। इसके अलावा पूजा में क्या क्या सामान लिया है मैंने, ये मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। तो एक आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइस, ये पूजा की थाली, मतलब पूजा के लिए सारा सामान है, जैसे कि ये कमल का फूल है और इसके अलावा दूबा माला और ये आम के कुछ पत्ते हैं, और इसके साथ ही ये कुछ मालाएं हैं, फूल भी रखे हुए थे। ये कुछ डेकोर करने वाली हैं और कुछ चढ़ाने वाली हैं। ये भगवान जी की पूजा भी हो चुकी है। ये लाल कपड़ा है, उस पर जो चौकी होती है उसे बिछाने के लिए एक ब्लाउज फीस है। सिंगार का सामान है, कुछ बतासे हैं और दो नारियल हैं। इसके साथ ये नमकीन है जो हमने मार्केट से ही परचेस किया था। देन यहाँ मैं अभी मॉर्निंग में लंच में मेथी की सब्ज़ी बना रही हूँ। देखा आप लोगों ने, ये था सारा सामान पूजा का, और भी आगे शाम को जो तैयारी होगी वो अभी रखा हुआ है, अभी मैंने निकाला नहीं है। अभी जो मार्केट से मंगाया था वही ऊपर रखा था, मैंने सोचा क्या अंदर रखूँ, उसको वापस से निकालनी है, इसलिए जो ऊपर था वो मैंने आपको बता दिया। सब्जी आप लोग देख ही चुके हैं, आलू मेथी की सब्जी अभी हम लोग मॉर्निंग में बना रहे हैं लंच टाइम में, फिर शाम के लिए मैं कुछ और बनाऊँगी। अभी देखिए ये 1 किलो गोभी, अब आप बताइए 1 किलो गोभी का हम लोग क्या करेंगे, इतना सारा लेकर आ गए, बट अभी तो मैं बना लूँगी, अब 2-3 दिन यही बनेगा, थोड़ा रुक रुक के बना लूँगी। तो उसके बाद अभी मैं दिखाती हूँ जो हमारी नानी है, उन्होंने मतलब मेरी नानी सास है, उन्होंने पूजा में पूजा के लिए भोग थोड़ा सा भिजवाया था, तो मैं 1 मिनट बता देती हूँ आप लोगों को। सो गाइस, ये हैं गुलाब जामुन मिठाई में, आप लोग देख सकते हैं ये इनकी नानी ने ही भिजाए हुए थे, ये गुलाब जामुन है, कुछ 4 पीस उन्होंने दिए थे, ये कुछ बर्फी वगैरह उन्होंने घर पे ही बनाई थी, तो मैंने तो ये सब नहीं बनाया है, मैंने मार्केट से मिठाई मंगवा ली थी। और इसके अलावा ये दही है थोड़ा सा पूजा के लिए। तो गाइस यही था सब कुछ, और अब बाकी का जो ब्लॉगिंग में आप लोग देख ही लोगे, दिन भर का ब्लॉगिंग है, मैं एक एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, डोंट वरी। तो अब मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ, मुझे लंच तैयार करना है अभी, सो फिर मैं आप लोगों से बाद में मिलती हूँ। यहाँ खाने में आप लोग देख सकते हैं पापड़ है और पूड़ी है, और ये मैंने थोड़ा सा बूंदी का रायता बनाया था, देन आलू मेथी की कुछ सब्जी। ये मॉर्निंग का लंच है गाइस, लंच तैयार है, और आज तो मैं कुछ सिर्फ मैंने लाइनर लगाया था, और ये मैंने न्यू कुर्ती पहनी, अगर आप लोगों ने देखी हो तो मैंने ये परचेज़ की थी जब मैंने आप लोगों को बताई थी। उसके बाद अब हम खाना खाने जा रहे हैं, और मैंने बता ही दिया है आप लोगों को क्या क्या मैंने बनाया है खाने में। इसके बाद सारी तैयारियां हो गई हैं, अभी दो बज गए हैं, अभी 2 बजे बज रहा है, अभी अब हम लोग जस्ट खाने ही खाने बैठे हैं। अब आप लोग भी खाना खा लीजिए, अगर आप लोगों ने खाना नहीं खाया है तो, बहुत भूख लगी है। 2 बज गए, आई थिंक सबका लंच हो चुका होगा, आप खाओ, हम ही है जो अभी तक खाना नहीं खाया।
खाना बहुत अच्छा बना। रायते में सिर्फ नमक कम है थोड़ा सा। तो मैं फटाक से खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा डेकोरेटिंग करने लगे, यू नो जो मैन एंट्रेंस रहता है उसमें, ये से ये जो शुभ लाभ लगाते हैं वो कुछ मालाएं वगैरह थी ये हमने लगा दी थी, तो ये काम भी होता है डेकोरेटिंग का। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कोई खास नहीं, बट मैंने रंगोली बनाई थी वो भी बिगड़ चुकी थी गलती से, उस पर किसी ने पैर रख दिया था। इसके बाद नाइट में आप लोग देख सकते हो जो हम लोग पटाखे चलाने आए थे, तो ये देखिए जो मैं टेरेस का नज़ारा था मैंने कैप्चर कर लिया था, काफ़ी लाइटिंग हो रही थी, इतना अच्छा लग रहा था, इतना ब्यूटीफुल नज़ारा लग रहा था, मैं आपको बता ही नहीं सकती कितना प्यारा लग रहा था नाइट के टाइम। इसके बाद हम लोग कुछ पटाखे वगैरह फोड़ रहे थे, चला रहे थे, तो ये उसकी क्लिप है, ये आप लोग देख सकते हैं, काफ़ी मज़ा आया पटाखे चलाने में। सॉरी गाइस, कुछ क्लिप मुझसे डिलीट हो चुकी पूजा वगैरह की, तो मैं फ़ोटो डाल दूँगी। तो ये कुछ पिक्चर्स थी गाइस, मैं एक्चुअली ना जो वीडियो मैंने बनाई थी अनफॉर्चुनेटली उसकी क्लिप्स डिलीट हो गई है, तो जो पूजा की थी हमने वो पिक्चर्स मैंने इसमें ऐड कर दी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं यही थी हमारी पूजा। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्लिप्स ली थी, वीडियो बनाई थी थोड़ी सी शूट की थी, आप लोग देख सकते हैं ये तैयार होने के बाद की वीडियो। दिवाली की पूजा हो चुकी है और आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरीके से रेडी हुई हूँ। तबीयत ख़राब नहीं बट थोड़ा सा गला ज़रूर ख़राब है, ये देखिए। सॉरी गाइस, आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैं जो तैयार हुई हूँ, और यहाँ मैंने छोटा सा बैन बनाया था एक, और मुझसे बन नहीं रहा था, राहुल से ही फिट करवाया था नीचे से, तो आप लोग देख सकते हैं मैं इस तरीके से आज रेडी हुई हूँ। और पूजा भी हमारी हो चुकी है जैसे कि आप लोग देख ही चुके हो, रंगोली मेरी बिगड़ चुकी थी, दो बार बचाते बचाते पैर रखा हो गया उस पर, तो और इसके बाद में अभी मैंने पटाखे वगैरह नहीं चलाए, मुझे शौक़ नहीं है पटाखों का और डर भी लगता है। गाड़ी की पूजा भी हमने कर ली है, और अभी मम्मी का फ़ोन आया था मेरी का, तो उनसे भी बात हो चुकी है मेरी, और इसके बाद अभी राहुल गाड़ी रखने के लिए गए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था यहाँ पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, और अभी फटाके वगैरह चल रहे हैं और 10:30 अभी टाइम हो रहा है, दिन भर सारा मेरा ऐसा ही गया, तो आप लोग देख ही चुके हो दिन भर मैंने क्या क्या किया क्या नहीं किया, और बहुत बिजी डे था आज का, तो दिवाली यू नो बहुत ही ज़्यादा बिजी डे होता है, पूरा दिन लगा रहो तो भी कम है। फाइनली अब सारे काम हो चुके हैं, सिर्फ हम दोनों को खाना खाना है, खाने में क्या क्या है वो मेन्यू भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी इवनिंग में जो भी है, तो थोड़ा बहुत ही चेंजेस होगा और कुछ नहीं, बाकी तो मॉर्निंग मैंने दिखाई दिया था आप लोगों को। इसके अलावा ये पीछे का डेकोरेशन आप देख ही सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, पता नहीं कैमरे में क्यों, अभी हम लोगों ने जो होम वगैरह लगाते हैं ना उसके बाद काफ़ी धुआं धुआं हो चुका था, उसकी वजह से कैमरा कैच ही नहीं कर रहा क्वालिटी को ठीक तरीके से, तो वरना इसका कैमरा काफ़ी अच्छा है। इसके बाद और मेरा कहीं जाने का मन तो कर नहीं रहा है, अभी लक्ष्मी जी बैठी हैं उनको छोड़ के जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कहीं भी, तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी, फाइनली घर में ही रहूंगी, बस राहुल आ जाएं, कुछ पिक्स निकलवानी है मुझे अभी, मेरे पिक्स भी नहीं लिए हैं, सोचा मैं आप लोगों से बात कर लूँ थोड़ा, फिर बात नहीं हो पाएगी। इसके अलावा पटाखे वगैरह मैं चलाती नहीं हूँ जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मुझे डर भी लगता है और मुझे शौक भी नहीं है इतना, थोड़ा बहुत ही अगर चलाना होगा तो मैं बाद में चलाऊंगी, बट अभी साड़ी के साथ तो पॉसिबल नहीं, तो और इसके बाद आज बहुत टायर्ड फील हो रहा है, सभी को होता है मुझे पता है, क्योंकि फेस्टिवल की जो टाइम होते हैं उनमें
लेडीज़ों को तो काफ़ी पूरा दिन ही हो जाता है, आप सभी लोग जानते हैं पूरा दिन हो जाता है काम करते करते, खाना भी बनाना, सारी तैयारी करना, उसके बाद पूरा दिन हो जाता है। मेरे पैर काफ़ी तेज़ दर्द हो रहे हैं, अभी कुछ भी मन नहीं कर रहा, मन कर रहा है सब कुछ निकाल दूँ और ड्रेस चेंज करके जस्ट खाना वाना खा के बस सो जाऊँ, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। अभी मुझे काफ़ी सारे पिक्चर्स भी लेने हैं, वीडियो भी बनानी है और वीडियो एडिटिंग भी करनी है। ये ब्लॉग आई थिंक कल तक चला जाएगा अगर आज पॉसिबल हुआ तो। अभी मैं राहुल का वेट कर रही हूँ, वो आ जाए, हम लोग खाना खाएंगे। अब बस भूख लग रही है, काफ़ी तेज चूहे दौड़ रहे हैं पेट में, जैसा कि फेस्टिवल के टाइम होता है, सारा दिन हो जाता है, फिर टायर्ड फील करते हैं एंड भूख भी काफ़ी तेज लगती है। अभी बस सिंपल सा खाना खाने का हो गया है, सिंपल मतलब मैंने बनाया है, इतना है भी कुछ नहीं है, बस पूड़ी वूड़ी तो बनती है, हालांकि पूड़ी मैंने सुबह भी खाई थी तो मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी और इतनी ज़्यादा भूख भी नहीं है, लेकिन जितनी भी है काफ़ी तेज़ है और मतलब ज़ोरों से लगी हुई है, तो खाना है खाना मुझे, मैं बस उन्हीं का वेट कर रही हूँ। मैं ज़्यादातर उन्हीं के साथ खाना पसंद करती हूँ, मैं अकेले खाने में मन नहीं करता, अच्छा भी नहीं लगता अकेले अकेले, और जब से मेरी शादी हुई है ना तो हम मैं ज़्यादातर उनके साथ ही खाना पसंद करती हूँ। बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि वो बिज़ी होते हैं या नहीं होते हैं या उन्हें टाइम लग रहा हो या कहीं गए हो, तो बात अलग होती, अदरवाइज़ हम साथ में ही खाना खाते हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग, ज़्यादा कुछ स्पेशल तो नहीं है, मैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। हेलो गाइस, हैप्पी दिवाली अगेन, और अभी नाइट का टाइम हो रहा है 12:55 अभी टाइम हो रहा है, मतलब 12:00 अभी 55 मिनट हो गए हैं, 55 मिनट हो चुके हैं, इसके बाद अब 1 बजने वाला है, करेक्ट टाइम है, सिर्फ 5-10 मिनट की देरी है, ज़्यादा टाइम नहीं है। सो अभी मैं काफ़ी थक चुकी हूँ, ड्रेस चेंज मैंने कर ली है अपनी, साड़ी मेकअप रिमूव और करना है मुझे, और सारा सामान व्यवस्थित कर दिया जो जहाँ रखा था वहीं, और अलमारी भी सेट कर दी वापस, यहाँ से कपड़े निकाले थे वहीं रख दिए। मेरे काफ़ी छाले हो चुके हैं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है, और खाना खाने में भी बहुत प्रॉब्लम हुई, राहुल सो चुके हैं, मोबाइल चलाते चलाते ही सो गए, उनको नींद आ चुकी है, अब मैं भी सोने वाली हूँ, सोचा आप लोगों को गुड नाइट बोल दूँ और मेकअप रिमूव कर लूँ, फिलहाल तो बस ऐसे ही कर लेती हूँ, बाकी सुबह अच्छे से वॉश कर लूँगी एक बार। ज़्यादा कुछ तो मैंने लगाया नहीं था तो वो इजीली साफ हो जाएगा। मेकअप रिमूव करने वाला भी है मेरे पास, और इसके बाद मेकअप रिमूव करने वाला जेल है और मॉइस्चराइज़र भी है, अभी विंटर टाइम है तो मॉइस्चराइज़र ज़्यादा बेस्ट रहेगा, तो मैंने उस रूम का लॉक लगा दिया था, फिर मुझे बाद में याद आया तो फिर मैं कुछ लेकर ही नहीं आई, अभी जस्ट कॉटन उठा के मैं ऐसे ही इसको रिमूव कर रही हूँ और फेस वॉश कर लूँगी तो वो अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा। सो गाइस, ये था आज का टायर्ड भरा दिन, और आज की दिवाली अच्छी थी, आई होप सब लोगों की दिवाली अच्छी जाए और सब लोगों के घर में खुश, और अभी ये 2020 था, इस टाइम पे काफ़ी कुछ झेला है सभी लोगों ने, हमने भी आपने भी सब लोगों ने किसी न किसी वजह से, लेकिन आई होप आप सब लोगों का जो आगे का साल है वो अच्छा जाए आने वाला समय, और दिवाली भी सब लोगों की अच्छी ही गई हो आई होप। तो अब मैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में या कोई वीडियो होगी तभी, मैं सोने जा रही हूँ, फिर मैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ या नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। अभी मैं इस ब्लॉग का यही एंड कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे सोना है, 1 बज चुका है और मैं बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ, काम भी मेरा सारा हो चुका है, तो मैं आप लोगों को अलविदा बोलती हूँ, मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी दिवाली गाइस एंड हैप्पी क्या बोलते हैं उसको, हैप्पी भाई दूज इन एडवांस,
और तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय एंड गुड नाइट गाइज़।